सत जी, कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम बना रहे हैं सूजी और कोकोनट से बहुत ही टेस्टी और होली के लिए स्पेशल रंग बिरंगा सा केक। तो उसके लिए पहले मैंने इसका मोल्ड तैयार कर लिया है। ये हमेशा पहले ही कर लेना चाहिए जब भी हम केक की तैयारी करें। और ये बीच में मैंने एक लगा दिया है बटर पेपर। अगर ये आपके पास ना हो तो आप इसमें सूखा मैदा बुरक सकते हैं। इससे बस ये होता है कि आराम से हमारा केक बड़ी सफाई से बाहर आ जाता है मोल्ड से। तो ये मेरा मोल्ड तैयार कर लिया मैंने। इस केक को बनाने के लिए मैंने ये घर का एक कप सेट किया है। आप भी कोई सा भी कप और कटोरी सेट कर सकते हैं। इसी कप से मैं सारी चीजें नापूंगी। तो सबसे पहले मैं इस कप से ले रही हूँ 2 कप सूजी। ये हो गई 2 कप सूजी। बस ये केक बनाना बहुत ही सरल है। आधा कप मैं इसमें डालूंगी मैदा। 1 कप इसमें मैं डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी। ये सारी चीजें मैंने उसी कप से नाप कर रख ली है अपने पास। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 कप ये दही है। 1/2 कप ही इसमें मैं डाल रही हूँ ये मलाई है। घर के दूध से उतरी हुई मलाई ली है मैंने। और वही कप आधा डाल रही हूँ इसमें मैं रिफाइंड ऑयल। पहले इन चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं। देखा आपने कितना इजी है। बस एक बाउल में सारी चीजें आपने नाप से डालते जाना है और उन्हें मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। अब यहाँ पे लिया है मैंने 1 कप दूध। वो दूध डाल के हम इस सूजी को घोलेंगे। अभी पूरा एक साथ नहीं डालेंगे। एक परफेक्ट सा बैटर बनाना है हमने। तो दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डाल के घोलेंगे इसको। अब इसमें मैंने जो दूध डाला है वो 1 कप से 1-2 चम्मच कम डाला है अभी मैंने। मुझे ये इतना ही गाढ़ा काफी ठीक लग रहा है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1/2 कटोरी भर के नारियल का बुरादा है, क्योंकि हमने कोकोनट सूजी का केक बनाना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो सिर्फ सूजी से भी सेम रेशो के साथ बना सकते हैं। इसको भी इसमें मिक्स कर दूंगी और उसके बाद मैं एक बार चेक करूंगी। अगर मुझे लगेगा ये ज्यादा थिक है तो बाकी का जो 2 चम्मच दूध बचा है वो भी मैं इसमें मिला दूंगी। अगर मैं मिलाऊंगी तो आपको बताऊंगी। कोकोनट डालने के बाद ये बैटर काफी थिक हो गया है। तो ये जो 2 चम्मच दूध बचा था मैं वो भी इसमें मिला रही हूँ। तो इसमें हमने पूरा 1 कप दूध मिक्स कर दिया है। अब इस केक को आपने बनाना किस में है? अगर तो आप ओवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री पे आपने इसको बेक करना है अच्छे से पक जाने तक। और नहीं तो हम जो कढ़ाई में बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं। तो मैं इसको अगेन कढ़ाई में ही बना के दिखा रही हूँ। तो कढ़ाई को मैंने स्टैंड लगा के ऑलरेडी गर्म होने के लिए रखा हुआ है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अब पिंच ऑफ सॉल्ट। सिर्फ 1 चुटकी नमक डाला है मैंने इसमें। 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। थोड़ा सा पानी डाल देंगे 1 चम्मच के आसपास। अच्छे से ये एक्टिवेट हो जाएगा और इसको इस बैटर में अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसको। और मिक्स करने के बाद ये बैटर हम डाल देंगे अपने मोल्ड के अंदर, जो हमने ऑलरेडी ग्रीस करके रखा हुआ है मोल्ड। अब बारी आती है इस केक को होली वाला केक बनाना है। तो उसके लिए लिया है ये मैंने फूड कलर, ये ग्रीन वाला डाल रही हूं मैं। इस तरह से एक साइड पे हम डालते जाएंगे एक एक ड्रॉप। और इसको अब मैं इस तरह से सिलाई से थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दूंगी ताकि नीचे तक कलर जो है वो थोड़ा मिक्स हो जाएगा। इस तरह से देखिए गोल गोल घुमा रही हूं मैं। अच्छे से नीचे तक सिलाई को हम ले जाएंगे। अब यहां दूसरी साइड मैं डाल रही हूं ये मेरे पास पिंक कलर है। रेड भी डाल सकते हैं और भी अच्छा लगेगा।
मेरे पास रेड नहीं था तो मैं पिंक ही डाल रही हूँ। और इसको भी उसी तरह से सिलाई से नीचे तक सिलाई ले जाते हुए थोड़ा थोड़ा गोल गोल घुमाएंगे, बस ऐसे घुमाना है कि सिलाई से कलर अंदर तक चला जाए केक के। थोड़ा सा कलर मैंने और डाला है और ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा ये नारियल का बुरादा डाल दे रही हूँ। ये कढ़ाई मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रखी हुई थी, फुल हीट पे मैंने उसको रखा था गर्म होने के लिए। और इसको ढक देंगे और ढक्कन के ऊपर हम एक मोटा वाला कपड़ा लगा देंगे जिससे हीट ऊपर से भी केक के ऊपर जाए। और फ्लेम कर देंगे हम बिल्कुल लो और इस केक को हम चेक करेंगे 20 से 25 मिनट के बाद। अब ये देखिए 20 से 25 मिनट के बाद आपको मैं केक दिखा रही हूँ। देखिए अच्छे से राइस तो कर गया है केक, लेकिन अभी पका नहीं है तो आपने भी एक बार चेक कर लेना है कि जो आपकी हीट है वो ज्यादा ही लो ना रह जाए, कि केक को हीट मिल ही ना रही हो। तो अब ये मेरा केक अच्छे से राइस कर गया है, अब इसे हमने पकाना तो है अभी और, तो मैं अब जो हीट है उसे थोड़ा सा बढ़ा दूंगी। और वापस ढक दिया है इसको मैंने, और बीच बीच में एक आध बार तो और हम चेक करेंगे। अब इसे हमने फुल डन होने तक पकाना है। अब ये केक आपको मैं एक घंटे के बाद दिखा रही हूँ, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल सेंटर में से मैं चेक कर ली हूँ और सिलाई एकदम साफ आई है, तो केक हमारा बन गया है। ये ऊपर से लाल नहीं हुआ है क्योंकि एक तो सूजी जो है वो थोड़ा टाइम लेती है लाल होने के लिए, बहुत ज्यादा टाइम, और दूसरा इसको हमने बनाया है कढ़ाई में, कढ़ाई में ऊपर से हीट नहीं आती है तो ऊपर से केक थोड़ा सा रह जाता है सफेद। ये इसे ही अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो यहाँ से भी ये ब्राउन हो जाएगा। वैसे ये पूरी तरह से अच्छे से सिक चुका है, अब इसको कुछ टाइम में इसको ऐसे ही पड़े रहने दूंगी। जब ये ठंडा होगा तब मैं आपको अनमोल्ड करके इसके पीसेस काट के दिखाऊंगी। केक को पहले किनारों से छुरी घुमा लेना, बढ़िया रहता है, केक आराम से बाहर आ जाएगा, किनारे रिलीज हो जाते हैं आराम से। और अब केक उल्टा करके टैप कर देंगे और बटर पेपर हटा देंगे। और ये देखिए हमारा कितना सुंदर सा केक बनके तैयार हुआ है। आपको कैसा लग रहा है देखने में? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि कितना अच्छा केक हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको काट सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी स्लाइस आप चाहे काट लीजिए। तो ये हो गया तैयार हमारा फ्रेश फ्रेश सॉफ्ट एकदम बढ़िया सा कोकोनट वाला रंग बिरंगा होली के लिए केक। तो इस होली पे आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, खाने के साथ साथ देखने में भी ये बहुत अच्छा लगेगा आपके मेहमानों को। तो बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। मिलते एक नई रेसिपी के साथ, थैंक यू।